कहते हैं इफ यू कैन ड्रीम इट देन यू कैन डू इट। अगर आपको वन ऑफ द ओल्डेस्ट और प्रीमियम इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में पढ़ना है तो एंट्रेंस एग्जाम तो क्रैक करना होगा। एंट्रेंस एग्जाम का क्या नाम है? सेंट जेवियर्स एडमिशन टेस्ट। हम बात कर रहे हैं कॉमर्स के अनमोल रतन, जिसको प्यार से कहते हैं कार सीरीज, और ये है हमारी वीडियो नंबर 5। 17 एंट्रेंस एग्जाम्स को हम 17 वीडियोस में डिस्कस करेंगे और यही 17 एंट्रेंस एग्जाम है जो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। इसके अलावा कुछ नहीं बचा। तो आपको एक जगह सारे एंट्रेंस मिल गए, अब कोई भी बहाना नहीं है, मुझे पता नहीं था। ओके जी, ब्रीफ अबाउट द एग्जाम। MCQ एग्जाम टाइप है, ऑनलाइन फॉर्मेट में है, सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई के लिए होता है, इंग्लिश में होगा, 2 आवर्स का एग्जाम है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती और एप्लीकेशन फीस है 2500 रुपीज। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम UG कोर्सेज के लिए कंडक्ट होगा, जिसमें आर्ट्स में तो आ गया मास कम्युनिकेशन, जिसको MCJ कहते हैं, कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, BMM मास मीडिया, मैनेजमेंट स्टडीज़ में BMS, जिसको प्यार से कुछ कॉलेजेस में BBA भी कहते हैं, और BSc IT, इनके लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होगा। 60% एंट्रेंस एग्जाम की वेटेज है और 40% क्लास 12th मार्क्स की वेटेज होती है, तो क्लास 12th पर भी फोकस रहना है, ऑब्वियस सी बात है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर एंट्रेंस एग्जाम में अपियर होना है, यू नीड टू बी बॉर्न ऑन और आफ्टर 1 जून 1999। भैया ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2022 का है, 23 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया +1, तो यहाँ पर भी क्या कर दोगे +1। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जून 2000 या उसके बाद का है तब आप एंट्रेंस एग्जाम में अपियर हो सकते हो। 12th पास या फिर अपियरिंग स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। 12th में जनरल एस्पिरेंट्स के 65% होने चाहिए, SC ST के 55 और क्रिश्चियन माइनॉरिटी के 60%। हर जगह 50 होता है, यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा परसेंटेज है। एग्जाम पैटर्न, DI 20 मार्क्स, GK 20 मार्क्स, इंग्लिश 20 मार्क्स, मैथ्स 20 मार्क्स, लॉजिकल और विजुअल रीजनिंग 20 मार्क्स, 100 मार्क्स हो गए टोटल। सीट रिजर्वेशन, जनरल माइनॉरिटी रिजर्व्ड मैनेजमेंट कोटा, टोटल आ गए 60। अब यहाँ पर ये जो है रिजर्वेशन क्राइटेरिया, इसको थोड़ा सा सोच समझ के हमें इसको समझना पड़ेगा। रीजन बींग थोड़ा सा डिफिकल्ट है, नॉट सो कॉमन है, हर जगह ऐसा रिजर्वेशन क्राइटेरिया नहीं होता। FY मतलब फर्स्ट ईयर BA, BSc, BCom की ये सीट्स हैं। ठीक है, बहुत आराम से मैं समझाऊंगा। टोटल सीट्स को मान लिया है 100%, आर्ट्स एंड साइंस की हो गई 360, कॉमर्स की हो गई 240। मैनेजमेंट कोटा फ्लैट है यहाँ पर 15%, और इसके आगे लिखा है केस ए, मतलब 100 में से 15% सीट्स दोनों ही कैटेगरी में, आर्ट्स एंड साइंस और कॉमर्स में, एग्जैक्टली जा रही है मैनेजमेंट कोटा की तरफ। केस ए का मतलब क्या है? ओनली फॉर दोज द कॉलेजेस ओब्लाइज्ड टू एडमिट विदाउट एनी क्विड प्रो क्यो, मतलब समथिंग इन रिटर्न। यहाँ पर तो इनको तो एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा, कॉलेज ने लिख दिया है क्लियरली, यहाँ पर केस ए वैलिड होता है। 100 में से 15% सीट्स चली गई, कितनी बची? 85। अब 85 में से क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए 50% है, 85% का 50%, कॉमर्स के लिए भी 85% का 50%। यहाँ पर हुआ बी और सी वैलिड, अभी पढ़ेंगे बी और सी। फिर जनरल कैटेगरी 85% का 42%, 85% का 42%, बचा हुआ कितना हो गया 50 और 42 में से प्लस करेंगे 92, बचा हुआ 5 यहाँ आ गया और स्पेशल के लिए 3 आ गया। क्लियर होगी बात भाई? मैनेजमेंट कोटा पहले बिल्कुल माइनस हो गया 15%, ये तो बिल्कुल ख़त्म। केस में गवर्नमेंट ने लिख दिया, मतलब कॉलेज ने लिख दिया कि यहाँ पर तो हम ओब्लाइज में सीट देनी ही है। फिर आ गया हमारा क्रिश्चियन और जनरल कैटेगरी, 50% यहाँ पर है 85 का और 42% यहाँ पर है 85 का। यहाँ पर इन्होंने कहा इन हाउस स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस देंगे, केस बी का मतलब, और केस सी में अगर कोई अदर कॉलेज से या बोर्ड से आता है मेरिट के बेसिस पर उसको एडमिशन दे देंगे इन कोर्सेज में। यहाँ पर आर्ट्स एंड साइंस डिसेबिलिटी 5%, स्पेशल कैटेगरी 3%, BC, BC, BC यहाँ पर भी अप्लाई हो गया। ये क्लियर हो गया कोटा, हाँ या ना बोल दो। अब आ जाते हैं BMS, BA और BSc पर। यहाँ पर क्या सीन है, 100% सीट्स हैं टोटल 120, इनमें मैनेजमेंट अगेन 15% फ्लैट माइनस हो गया। कैसे? कैसे मतलब ऑब्लाइज्ड है भाई, देना ही पड़ेगा। अब बची हुई जो 85% है उसमें से क्रिश्चियन माइनॉरिटी 50, जनरल कैटेगरी 42, यहाँ पर लग गया केस डी। केस डी का मतलब एंट्रेंस के बेसिस पे और क्लास 12th के बेसिस पर एडमिशन होगा।
इन कोर्सेज में प्रॉपर। यहां तो एंट्रेंस की जगह ही नहीं थी, यहां पर एंट्रेंस के बेसिस पर एडमिशन होगा। ये कोटे का पार्ट है, मतलब अगर एंट्रेंस क्लियर किया है तभी एडमिशन ले सकते हो, वरना नहीं ले सकते। ठीक है, 5-3 डन। तो इसको एक दो बार आप ध्यान से पढ़ोगे ना और सोच समझ के बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, तब भी क्लियर हो जाएगा। या फिर वीडियो को 2-3 बार देख लेना, हल्का सा स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन होगा। क्लैरिटी क्या, मैनेजमेंट कोटा फ्लैट 15%, इन कोर्सेज में एंट्रेंस एग्जाम कंपलसरी है, यहाँ पर बी और सी केस अप्लाई होते हैं। डन होगी बात। फी स्ट्रक्चर देख लेते हैं जी। FY मतलब फर्स्ट ईयर, SY मतलब सेकेंड ईयर, TY मतलब थर्ड ईयर। ठीक है, 1 लाख रुपीज़ के आसपास आएगा। BMS की भी 1 लाख के आसपास और BSCIT की भी 1 लाख के आसपास। बाकी कोर्सेज, BA का टोटल फीस 15,000 तीन साल का, BSC का टोटल फीस 20,000 तीन साल का, BCOM का टोटल फीस 15,000 तीन साल का। तो ये सारी आपके यहाँ पर फीस अवेलेबल है। ठीक है जी, दो फॉर्मेट है, विदाउट स्टैटिस्टिक्स विद स्टैटिस्टिक्स, तो उसके अलग अलग 1,000 रुपीज़ का डिफरेंस आएगा, मतलब फीस यहाँ पर इशू नहीं है। BMS एंट्रेंस एग्जाम की डेट्स क्या होंगी, कमेंसमेंट ऑफ BMS एंट्रेंस टेस्ट रजिस्ट्रेशन फर्स्ट वीक ऑफ मे, लास्ट वीक ऑफ मे में एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाते हैं और जून में एंट्रेंस एग्जाम ये कंडक्ट होता है। राइट, किस किस कोर्स के लिए एग्जाम कंडक्ट होगा एक बार देख लेंगे। मास्कॉम, BMM, मैनेजमेंट स्टडीज, BSCIT। कोटा आपको यहाँ पर क्लियर हो गया, ये रहा, इन तीन कोर्सेज में डायरेक्ट जाता है, यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम का कोटा अवेलेबल है। फॉर्म वगैरह जब आएंगे हम आपको कमेंट सेक्शन में अपडेट कर देंगे, आप फिल आउट कर सकते हो। वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस एग्जाम, अगर आपने ये फॉर्म फिल किया है तो एक बार प्लीज़ मेरे कहने से फॉर्म अगर फिल किया है एंट्रेंस में अपियर होना, अगर हुए लाइफ अलग तरीके से शेप लेगी। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। ये है हमारी कॉमर्स की सबसे बड़ी कम्युनिटी करियर की, और हम यहाँ पर इतनी सीरीज करियर से रिलेटेड बना रहे हैं, आपके 110% सारे करियर रिलेटेड डाउट्स फिनिश हो जाएंगे। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।